शिवसेना चंद्रपूरचे माजी उपजिल्हाप्रमुख तसेच कामगार सेनेचे जिल्हा संघटक आणि समाजसेवक माननीय श्री जयदीप भाऊ रोडे यांच्याकडून सर्व चंद्रपूरवासियांना दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष तथा भंडारा जिल्ह्याचे संपर्क अध्यक्ष तसेच आक्रमक युवा नेता व समाजसेवक श्री मंदीप भाऊ रोडे यांच्याकडून समस्त चंद्रपूर आणि भंडारावासियांना व सर्व जनतेला दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। शिवसेना चंद्रपूरचे माजी जिल्हा प्रमुख व सहसंपर्क प्रमुख वरिष्ठ शिवसेना नेता आणि समाज कार्यकर्ता माननीय श्री रमेश भाऊ देशमुख यांच्याकडून समस्त जनतेला दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। लक्ष्मी पूजन और दीपावली की समस्त अंबटकर परिवार और MSPM ग्रुप की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। शुभेच्छुक चेयरमैन श्री पांडुरंग अंबटकर, सेक्रेटरी श्रीमती प्रीति अंबटकर, वाइस चेयरमैन श्री पीयूष अंबटकर, डायरेक्टर श्रीमती अंकिता अंबटकर और MSPM ग्रुप के समस्त पदाधिकारी, शिक्षक और स्टाफ। सर्वोदय शिक्षण मंडल चंद्रपुर द्वारा संचालित सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर, शंकर राव बेजलवार कला वाणिज्य महाविद्यालय अहेरी जिला गढ़ चिरोली, शांता राम पोर्ट दुखे विधि महाविद्यालय तुकुम चंद्रपुर, श्रीमती सुशीला बाई रामचंद्र मामिडवार समाज कार्य महाविद्यालय बडौली, श्रीमती लीना किशोर मामिडवार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च कोसारा चंद्रपुर नेहरू विद्यालय चंद्रपुर, इंदिरा विद्यालय वरूर रोड, श्री साईनाथ विद्यालय कडौली, गुरु नानक विद्यालय विरूर, आदर्श किसान विद्यालय नारंडा, सरस्वती विद्यालय बड़ोली और सर्वोदय शिक्षण मंडल चंद्रपुर के अध्यक्ष श्रीमती सुधा ताई पोर दुखे, इन सभी की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। होटल सिद्धार्थ, होटल सिद्धार्थ प्रीमियर और सलूजा परिवार की ओर से समस्त चंद्रपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वांगसाठी पूर्ण फैशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत वैरायटी, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सेवन 18 अक्टूबर रोजी शुभारंभ, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल अपल्या चंद्रपुर मध्ये, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगास, सैरीज, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, 18 अक्टूबर रोजी महा शुभारंभ, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। एक और जहां राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में नया जोश बनाकर आम लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया, वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यकों की हितैषी माने जाने वाली कांग्रेस के चंद्रपुर के नेता मुस्लिम विरोधी कार्य करके मुस्लिम कार्यकर्ताओं और वोटर्स को नाराज करने का काम कर रहे हैं। चंद्रपुर में मुस्लिम समुदाय के एक आम परिवार से एक सामान्य कार्यकर्ता को NSUI के जिला अध्यक्ष पद पर बिठाया गया, मगर केवल 24 घंटों में कुछ वरिष्ठ नेताओं अपना वजन इस्तेमाल करके उस मुस्लिम कार्यकर्ताओं से पद छीन लिया गया। ऑटो रिक्शा चालक के बेटे शफाक शेख को NSUI का जिला अध्यक्ष पद मिलने पर मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर थी और आम कार्यकर्ता खुश थे, लेकिन यह खुशी 2 दिनों में ही चली गई और कांग्रेस के राज्य समिति के सदस्य और महाराष्ट्र और चंद्रपुर के एकमात्र कांग्रेसी सांसद बालू धानोरकर के सबसे करीबी विनोद दत्तात्रेय के बेटे यश दत्तात्रेय को फिर से इस पद पर विराजमान कर दिया गया। शिवसेना से आने के बावजूद सांसद बालू धानोरकर को अल्पसंख्यक और मुस्लिम समुदाय का हित चिंतक माना जाता था, मगर इस घटना के बाद इस समुदाय में उनके खिलाफ भी नाराजगी के सुर
उठने लगे हैं, जिसे सुनकर उनके भाजपा प्रतिद्वंदी निसंदेह खुश हो रहे होंगे। बताया जा रहा है कि इस नियुक्ति के रद्द होने से नाराज मुस्लिम समुदाय आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में अपने ही नेताओं को सबक सिखाने कमर कस रहा है। नाम न बताने की शर्त पर कई मुस्लिम नेताओं ने बोला कि पिछले चंद्रपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी में भाई भतीजावाद जारी है। यश दत्तात्रेय ये विनोद दत्तात्रेय के पुत्र होने की वजह से और विनोद दत्तात्रेय सांसद बालू धानोरकर के करीबी होने की वजह से मुस्लिम समुदाय की नाराजगी विनोद दत्तात्रेय के साथ साथ सांसद बालू धानोरकर पर भी हो रही है। उल्लेखनीय है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में बालू धानोरकर बहुत ही कम मतों से चुनकर आए थे, जबकि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और गुट उनके जीत के लिए शत प्रतिशत कार्यकर्ता कार्यरत था, जिसमें मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा योगदान था। ऐसे में अपनी दोस्ती की खातिर क्या बालू धानोरकर मुस्लिम समुदाय को नाराज करने का जोखिम उठाते हैं या फिर अपनी दखल से एक आम परिवार के मुस्लिम कार्यकर्ता को फिर से पद पर बिठाते हैं, ये देखने योग्य होगा। हैवीवेट नेताओं के डर से खुद शफाक क्या उसके हित चिंतक कैमरा पर बोलने से डर रहे हैं। जोन क्रमांक 3 के पूर्व सभापति और प्रभाग क्रमांक 4 के पूर्व नगर सेवक और भाजपा नेता श्री अजय सरकार की ओर से समस्त चंद्रपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। होटल सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट बापट नगर चंद्रपुर की ओर से सभी चंद्रपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा। वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डेलिशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट बापट नगर नागपुर रोड चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। Happy Diwali from Yergude Group of Institutions, 32 years of excellence, Shri Sai College of Engineering and Technology, Bhadravati, Shri Sai Polytechnic, Chandrapur, Shri Sai ITI Urjanagar Road, Chandrapur and Shri Sai B.Ed College, Chandrapur. Happy Diwali from Yergude Group of Institutions. चंद्रपूर शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते माननीय मनोज भाऊ पाल यांच्याकडून सर्व चंद्रपूरवासियांना दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। शिवसेना में राज्य स्तर हो या जिला स्तर, बाहरी हो या आंतरिक, सभी और पदों को लेकर जोरदार जंग छिड़ी हुई है। हाल ही में चंद्रपुर में अमित तनेजा नामक कोयला व्यापारी से वसूली के आरोप में शिवसेना के महिला जिला संयोजक उज्ज्वला नगले को पद से हटना पड़ा था, लेकिन सिर्फ दो दिन बाद ही उन्हें फिर से उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया। संभवतः ये पहला मामला है जिसमें जिला संगठक पद पर रहने के बाद पार्टी से सीधा बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन सिर्फ दो दिन बाद ही उन्हें फिर से उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया। संभवतः ये पहला मामला है जिसमें जिला संगठक पद पर रहने के बाद पार्टी से सीधा बर्खास्त कर दिया गया और दो दिन बाद फिर से उसी पद पर नियुक्ति दे दी गई। इससे चंद्रपुर जिले की शिवसेना की आंतरिक लड़ाई फिर उजागर हुई है, क्योंकि एक और जहां विरोधी गुट नलगे को निकालने से खुश था, वहीं शिवसेना विदर्भ महिला प्रमुख शिल्पा बोड़खे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नलगे को बचा लिया, जिससे अब नलगे, बोड़खे और विरोधी गुट में लड़ाई तेज हो गई है। उल्लेखनीय है कि नलगे को महिला जिला संगठिका पद पर खुद आज के विरोधी पदाधिकारी ने बिठाया था, मगर बाद में ऐसी चर्चा है कि पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई। नलगे ने उन पर हुए आरोपों के बारे में बताते हुए कहा कि कुछ ही दिन पहले कुछ किसानों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए नलगे ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को जानकारी लेने के लिए कोयला डेपो जाने को कहा।
वहां समझाया कि इस डेपो के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है और काफी प्रदूषण भी है। इस संबंध में उज्ज्वला नलगेर ने घुग्घुस थानेदार को निवेदन भी दिया और अवैध कोयला डेपो के विरोध में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसके चलते कोयला डेपो के मालिक अमित अनेजा नलगे के घर गए और हमें 50,000 रुपए देने की पेशकश की, लेकिन हमने इसे स्वीकार नहीं किया और समझौता नहीं किया। बाद में पता चला कि अनेजा ने बातचीत रिकॉर्ड की थी और पुलिस अधीक्षक के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिससे मामला दर्ज किया गया। अभी शंका प्रकट की जा रही है कि यह पूरी उनके विरोधी पदाधिकारी की चाल भी हो सकती है। इस बीच नलगे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इससे उनके खुलासे में देरी हुई। इस मौके का फायदा उठाकर कुछ विरोधियों ने अपनी एक तरफा शिकायत वरिष्ठों से की है। इस आधार पर उनके पार्टी से निकाले जाने की कार्यवाही हुई, लेकिन बाद में उज्ज्वला नलगे सीधे मुंबई पहुंची। उन्होंने इस झूठी शिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण दिया और अपने अब तक के कार्यों की समीक्षा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी। वरिष्ठों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश थे उज्ज्वला प्रमोद नलगे को दोबारा जिला संयोजक बनाया गया। इस बारे में दैनिक सामना में समाचार भी प्रकाशित किया गया है। एक और नलगे की दोबारा नियुक्ति से महिला मोर्चे में एक नया जोश दिखाई दे रहा है, वहीं उनके विरोधक इस पुनर्नियुक्ति से अच्छे खासे परेशान दिख रहे हैं। वहीं शिकायतकर्ता अमित अनेजा ने कहा कि उज्ज्वला नलगे की दोबारा नियुक्ति पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर पैसे की मांग का ऑडियो और वीडियो क्लिप पुलिस के पास है, जो फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है। जबरन वसूली के मामले में नलगे और उनके कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए अदालत पर हमें पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मैंने 50,00,000 रुपए का मानहानि का मुकदमा भी दायर किया और उन्हें ये साबित करने के लिए चुनौती दी है कि मेरा कोयला डिपो अवैध है। चंद्रपूरचे माजी खासदार माननीय नरेश बाबू पुगलियाजी व काँग्रेसचे युवा नेते श्री राहुल बाबू पुगलियाजी यांच्याकडून समस्त चंद्रपूरवासियांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। राहुल गांधी यांची भारत जोडो पदयात्रा दिनांक 7 नोव्हेंबर 2022 ला महाराष्ट्र देगलूर नांदेड जिल्ह्यातून आरंभ होत आहे व नांदेड ते तीन खुटी महाराष्ट्र सीमेपासून मध्य प्रदेश मध्ये जाणार आहे। कृपया नागरिकांनी मोठ्या संख्येने यात्रेसोबत जोडावे व सर्व भारतीयांची दिवाळी गोड करावी ह्याच विनंतीसह काँग्रेसचे पूर्व महानगर अध्यक्ष नंदूभाऊ नागरकर तर्फे सर्व चंद्रपूरवासियांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। दी एंडी होटल एंडी बेकर्स और हसानी परिवार की ओर से सभी चंद्रपुर वासियों को दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं। भाजपा नेता पूर्व पार्षद और कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर रामपाल सिंह की ओर से समस्त चंद्रपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रपुर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रितेश उर्फ रामू तिवारी की ओर से समस्त चंद्रपुर वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।